हेलो एवरीवन नमस्कार जयहन गुड इवनिंग मैं कौशल सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अध्ययन मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए फिजिक्स का रिवीजन चल रहा है और आज की जो क्लास है वो है आपकी आठवीं क्लास है ठीक है गुड इवनिंग दीपा अंजलि पूनम जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए भाई ठीक है तो पीछे हम सात क्लास कंप्लीट कर चुके हैं जो कि क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है आई होप कि आपको बहुत मजा आ रहा हो क्लास में अच्छे कॉन्सेप्ट अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे ठीक है तो आज भी हम कुछ नए क्वेश्चन करने वाले हैं और वो भी आपको अच्छे लगेंगे शुरुआत करते हैं देखिए आज का क्वेश्चन नंबर वन आज का क्वेश्चन नंबर वन है चंद्रमा का एक, सेम फेस ही देखते हैं। एक समान उसका चेहरा ही देखते हैं क्यों हम हमेशा चंद्रमा का एक ही चेहरा देख पाते हैं क्योंकि ऐसा क्यों देख पाते हैं हम इट इज सिमिलर देन द अर्थ इट रिवॉल्व ऑन इज एक्सिस इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन अर्थ इट टेक्स इक्वल टाइम फॉर रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस इट रोटेट्स एट द सेम स्पीड एस द अर्थ अराउंड सन इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम हमेशा चंद्रमा का एक ही फेस देख पाते हैं जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से जल्दी से गुड आफ्टरनून पुष्पा भाटी का आंसर आ, आ रहा है सी इट टेक्स इक्वल टाइम फॉर रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस चलो भाई देखते हैं पूजा रानी का आंसर बी सी आ रहा है अंजलि का आंसर सी आ रहा है अर्चना का भी आंसर सी आ, आ रहा है आनर का भी आंसर सी आ रहा है रूपा का आंसर बी आ रहा है और माही सिंह का भी आंसर बी आ रहा है इन दो लोगों का आंसर बी आ रहा है विपरीत घूमता है नारायण सिंह का आंसर डी आ रहा है। नारायण जी का आंसर डी आ रहा है। गुड इवनिंग शवाना ठीक है भाई मोस्टली लोगों का आंसर सी आ रहा है मोस्टली लोगों का आंसर सी आ रहा है और सी जो आंसर है वो आपका सही भी है बिल्कुल जो सही आंसर है वो आपका सी आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है सी आंसर आपका करेक्ट है पृथ्वी के चारों ओर क्रांति के लिए समान समय लगता है और अपनी दूरी पर जो समय लगता है वो दोनों जो समय है वो समान है इसलिए हमें चंद्रमा का एक ही फेज दिखता है जरा हम देख लेते हैं एक पिक्चर के थ्रू देखिए देखिए ये है सन और ये है अर्थ अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है ठीक है अब क्या होता है कि जो अर्थ है वो जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है अर्थ की बात कर रहे हैं पहले हम अर्थ जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है जब एक चक्कर कंप्लीट करती है तो वो करती है एक साल में यानी कि तीन सौ पैंसठ डेज में ठीक है थीके? जिसको हम एक साल बोलते हैं और अपने एक्सेस पर ये अर्थ का एक्सेस है जब ये अपने एक्सेस पर एक रोटेशन कंप्लीट करती है जब ये अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है अपना एक चक्रण कंप्लीट करती है घूर्णन कंप्लीट करती है जब ये एक घूर्णन कंप्लीट करती है तो ये करती है 24 फोर आवर्स में 24 फोर आवर्स जिसको हम लोग बोलते हैं एक दिन ठीक है ये बात थी अर्थ से रिलेटेड लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है जो क्वेश्चन है आपका वो आपका रिलेटेड है चंद्रमा और अर्थ से रिलेटेड अब देखो पृथ्वी तो ऐसे करके रोटेट कर ही रहा है अब मून कहां है ये वाला अब ये मून क्या करता है मून मैंने यहां पर बना लिया ये है मून जब ये मून अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे करके घूम जाएगा ये इसका रिवॉल्यूशन हो गया तब इसको लगते हैं 27 दिन कितने दिन लगते हैं इसको 27 दिन 27.4 ठीक है हाँ छह घंटे बोल सकते हैं बिल्कुल सही बात है ठीक है तो 27 दिन अब 27 दिन में ये अपना क्या करता है अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है लेकिन अगर मैं इसके रोटेशन की बात करूं रोटेशन की बात करूं तो मून का जो रोटेशन है वो भी 27 दिन में ही कंप्लीट होता है तो दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम है और यही कारण है कि जब ये ऐसे करके अपना एक रोटेशन कंप्लीट करेगा और अपना एक रिवॉल्यूशन भी कंप्लीट करेगा तो हमें हमेशा इसका एक और समान फेज ही हमेशा दिखेगा ठीक है ये इसका सही कारण है ओके वेरी गुड वेरी गुड हेलो ठीक है हाँ जी बिल्कुल सही बात चलो अब आगे बढ़ते हैं नए सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू है द एनर्जी स्टोर्ड इन वॉच स्प्रिंग घड़ी की स्प्रिंग में जो घड़ी की जो स्प्रिंग होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है द एनर्जी स्टोर्ड इन वॉच स्प्रिंग काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हीट एनर्जी या केमिकल एनर्जी जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए हाँ, बताइए क्या डाउट है आपका शैनी, माही का आंसर है ए कानेटिक एनर्जी कानेटिक एनर्जी का एनर्जी कानेटिक एनर्जी गीत यादव का आंसर है बी पोटेंशियल एनर्जी बाकी लोगों का आंसर शैनी का भी आंसर बी आ रहा है क्लास शैली का भी आंसर बी आ रहा है काइनेटिक 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 पोटेंशियल पोटेंशियल तो ज्यादातर जो आंसर आया है भाई वो आया है काइनेटिक एनर्जी ज्यादातर जो आंसर आया लेकिन अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या वाकई आंसर नहीं आएगा इसका जल्दी से बताइए शुभांगी का आंसर बी आ रहा है ज्योति का आंसर ए रहा है हर्षिता का आंसर डी आ रहा है कैमिकल एनर्जी मीनू यादव का आंसर आ रहा है पोटेंशियल काइनेटिक, काइनेटिक, हाँ, आपका बी है तो भैया सही जो आंसर है वो है इसका पोटेंशियल एनर्जी सही आंसर है इसका पोटेंशियल एनर्जी देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जब भी स्प्रिंग वर्ड आएगा जब भी स्प्रिंग शब्द आपको कहीं भी दिखता है चाहे वो किसी का भी स्प्रिंग है हाँ, चाहे वो किसी का भी नहीं बिल्कुल ये क्लास क्वेश्चन पूछने के लिए है, क्वेश्चन आप पूछिए क्वेश्चन तो पूछना ही है डाउट है अगर किसी को तो डाउट तो पूछना चाहिए ना हाँ तो भैया सही जो आंसर वो क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी आएगा और मैं आपको एक बात बता दूं जब भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर स्प्रिंग वर्ड आ जाए स्प्रिंग वर्ड आ जाए क्योंकि स्प्रिंग में ऑलवेज स्प्रिंग में ऑलवेज जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी ठीक है हाँ तो इसका जो सही आंसर है वो होगी आपकी संभावित ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मैं हूं नए सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री यानी आज का सवाल नंबर तीन द सेंसेशन ऑफ वेटलेसनेस इन स्पेस क्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट बोल लीजिए या किसी लिफ्ट की अगर हम बात कर लें दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही है ठीक है किसी लिफ्ट में अगर कोई व्यक्ति बैठा है कोई सज्जन व्यक्ति बैठे हैं और उनको लगता है वेटलेसनेस की उन्हें फीलिंग आ रही है यानी कि भारहीनता उन्हें फीलिंग आ रही है भारहीनता की उन्हें फीलिंग आ रही है उन्हें लगता है कि उनका वेट जीरो हो गया उन्हें लग रहा है ऐसा हुआ नहीं है वो फील कर रहे हैं ऐसा इन एन ऑर्बिट इज ड्यू टू तो क्या कारण है द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द एक्सेलरेशन इन द ऑर्बिट विच इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड बट नॉट इनसाइड द स्पेस क्राफ्ट फैक्ट दैट स्पेस क्राफ्ट इन जल्दी से आंसर दीजिए अनर पूछ रहे हैं कानिक एनर्जी का यूज कहां पर होता है जब भी कोई भी पार्टिकल गति में होता है स्थिर होगा तो स्थित जुड़ जा गति में होगा तो गति जुड़ जा इफ एन ए पार्टिकल इज इन मोशन तो उसके पास में कैनेटिक एनर्जी होगी जल्दी से आंसर दीजिए बी आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है एक्सेलरेशन इन द ऑर्बिट इज इज इक्वल टू द ग्रेविटी आउटसाइड चलो भाई देखते हैं देखते हैं बी आंसर पुष्पा का आंसर सी आ रहा है गीत यादव आंसर बी आ रहा है चलो भाई बाकी लोग भी बताइए पूजा रानी आंसर बी आ रहा है फास्ट एक्टिव रहिए थोड़ा सा इसको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं क्योंकि इसमें एक केस आपसे पूछा गया बाकी के दो क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बताऊंगा जल्दी से जल्दी से जल्दी से बी आंसर बी शुभांगी बी आ रहा है रूपा कुमारी का आंसर सी वी मतलब जो भी चलो भाई जल्दी से बी आंसर वेरी गुड वेरी गुड फैंटास्टिक तो भैया सही आंसर इसका बी है स्पेस क्राफ्ट का जो एक्सेलरेशन है अगर उसके बाहर वाले एक्सेलरेशन और अंडर ग्रेविटी के बराबर है तो उस केस में वो वेटलेसनेस की कंडीशन को फील करेगा तो सही आंसर है इसका बी रूपा कुमारी का आंसर सी आर बहुत सारे लोगों ने आंसर सी दिया है तो वो है आपका गलत आंसर ठीक है इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं देखिए केस नंबर वन ये कोई लिफ्ट है इसके अंदर ये कोई व्यक्ति बैठा है ठीक है ये कोई व्यक्ति बैठा है और ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है ए एक्सेलरेशन से ठीक है जी अब इस व्यक्ति का मास कितना है एम तो नीचे की दिशा में कौन सा बल लगेगा एम ऊपर की दिशा में क्या बल लगेगा रिएक्शन फोर्स ये हो गया हमारा केस नंबर रियक्शन हा बिल्कुल 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 ये CTAT के लिए आप जो भी जो भी भी एग्जाम एग्जाम दे रहे हो आपके है टीचिंग से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम है उनके लिए बेहतर क्लास है टीचिंग के लिए फिजिक्स पढ़ना है आपका कोई भी एग्जाम है तो आप यहां पर फिजिक्स पढ़ सकते हैं और अगर आपको रेलवे

लेकिन लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है तीसरा केस ये है कि इसके अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका मास एम है नीचे की डायरेक्शन में एमजी फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगेगा लेकिन इस केस में लिफ्ट का जो वायर है लिफ्ट का जो वायर है वो ब्रेक हो चुका है वो टूट चुका है लिफ्ट का जो वायर है वो टूट चुका है तो भैया लिफ्ट का जब वायर टूटेगा तो लिफ्ट नीचे ही आएगी तो ये लिफ्ट कहां आ रही है नीचे लेकिन जब लिफ्ट का वायर टूटेगा तो लिफ्ट नीचे आएगी ये सभी जानते हैं लेकिन वो किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगी एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी से यानी कि इस केस में इसका जो एक्सेलरेशन है वो के बराबर होगा ठीक है अब मैं तीनों केसेस को अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करता हूं ध्यान से सुनेंगे सभी लोग तो इस केस में क्या होता है जब वो नीचे आता है तो इस केस में उस व्यक्ति का जो वेट है उसको लगता है कि वो थोड़ा सा हल्का फील करता है जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है और वो लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है तो उसको लगता है कि उसका वेट कमजोर हो गया है कम हो गया है क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कितना फील होता है उसको जी माइनस ए उसको जो रिजल्टेंट एक्सलरेशन जो फील होता है वो कितना फील होता है जी माइनस तो इस केस में वो अपने आप को हल्का महसूस करता है जब कोई लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है ठीक है नीचे से ऊपर जा रही है तो इस केस में उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो उसको फील होता है जी प्लस ए क्या फील होता है g plus a तो g plus a का मतलब है कि इस केस में जो उसका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है वो बढ़ गया है तो बढ़ने की वजह से उसको क्या फील होता है भारीपन फील होता है उसको क्या फील होता है भारीपन उसको लगता है कि उसका वेट बढ़ गया है अच्छा इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं पहले इन दोनों एग्जांपल का बचपन में आपने झूला झूला होगा ठीक है झूले पे हम बैठते थे जैसे ही झूला नीचे से ऊपर जाता था जब जैसे ही झूला नीचे से ऊपर जाता था तो हमें लगता था कि कहीं रस्सी टूट ना जाए जब झूला जो था मान लीजिए ये झूला है और यहां पर ये कोई बैठा हुआ है पकड़ लिया इसने जैसे ये झूला ऊपर जाएगा तो लगता था कि कहीं रस्सी टूट ना जाए क्योंकि उसको लगता था कि जैसे ही वो मीन पोजीशन से ऊपर जाएगा तो उसका वेट बढ़ गया है ऐसा फील होता था झूले पर बैठे हुए व्यक्ति को क्योंकि वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो उसका वेट उसको फील होगा कि बढ़ गया है। लेकिन जैसे वो एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे झूले पे आता था तो उसे लगता था कि जिस पटली के ऊपर वो बैठा है वो कहीं निकल ना जाए उसके नीचे से वो गिर ना जाए क्योंकि उसको फील होता था कि वो हल्का हो गया है तो नीचे से ऊपर जाने पर उसको भारीपन फील होता था ऊपर से नीचे आने पर उसको हल्का फील होता था वही बात हमारी लिफ्ट में भी हो रही है और इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो बिकॉज मुझे लगता है कि 98% परसेंट ने तो बचपन में झूला झूला ही होगा ठीक है ना सभी ने तो ये दो केस होते हैं हमारे क्लियर लेकिन सवाल जो था वो हमारे तीसरे वाले सवाल से रिलेटेड था ध्यान से सुनेंगे प्लीज एक बात सुनिए इस वाले केस में थर्ड केस पे आते हैं कि लिफ्ट का रस्सी टूट गया है रस्से टूटेगा वायर टूटेगा तो लिफ्ट नीचे ही आएगा जब लिफ्ट नीचे आएगा वायर टूट गया है तो लिफ्ट कैसे काम करेगा एज ए फ्री फॉल भाई लिफ्ट कैसे काम करेगा एज ए फ्री फॉल फ्री फॉल का मतलब बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक, उससे लगेगा कि उसके ऊपर कोई भी बल नहीं लग रहा है ठीक है उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा जी के बराबर ऊपर से नीचे आ रहा है और उसका एक्सलरेशन किसके बराबर है जी के बराबर है ऊपर से नीचे आ रहा है तो आर की वैल्यू कितनी है एम जी माइनस ए आर इज इक्वल टू एम जी माइनस ए और जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है थर्ड वाले केस में जब वायर टूट गया है तो ए की वैल्यू किसके बराबर है जी के बराबर जब मैं यहां पर ए बराबर जी लिखूंगा तो आर बराबर एम जी ए बराबर जी लिखूंगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा जीरो यहां पर ये जो r है वो क्या है ये एक रिजल्टेंट फोर्स है यहां पर जो r है वो क्या है रिजल्टेंट वेट है उसका रिजल्टेंट वेट है और रिजल्टेंट वेट क्या लग रहा है उसको जीरो मतलब वेटलेसनेस इसको मैं क्या बोल सकता हूं इसको मैं क्या बोल सकता हूं वेटलेसनेस भारहीनता तो भैया भारहीनता कब फील होगी जब एक्सलरेशन अंडर ग्रेविटी और स्पेस क्राफ्ट का एक्सलरेशन दोनों बराबर हो जाएंगे उस कंडीशन में वो भारहीनता यानी कि वेटलेसनेस की कंडीशन को फील करेगा तो ये थे इसके आंसर आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे फटाफट से नोट कर लीजिए और अभी भी आपका कोई सवाल है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फटाफट से बताइए फिर मैं बढ़ता हूं नए सवाल की ओर पीडीएफ के लिए अध्ययन मंत्रा कांटेक्ट करिए ठीक है चलो तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही अच्छा था और मोस्टली आपके एग्जाम में देखो भैया एक क्वेश्चन आए आता ही है मतलब मुझे लगता है ऐसा मैंने जो भी एग्जाम्स देखे हैं जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा है तो मुझे लगता है कि इस पर एक क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है तीन केस आपके स्पेशल हैं एक क्वेश्चन एक केस भी है इसका तो वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे ठीक है ना चलो अब मैं बढ़ता हूं नए सवाल की ओर तो आपको पता लग ही चुका है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है इसका जो सही आंसर था वो क्या था इसका सही आंसर है आपका बी आउटसाइड जो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है स्पेस के एक्सेलरेशन के बराबर है इसीलिए उसको वेटलेसनेस की कंडीशन लग रही है ठीक है जी चलिए सवाल नंबर चार सवाल नंबर चार देखिए छा इसको खट गई ठीक <coughs> है क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है आपका अ पैराशूट डिसेंड्स स्लोली वेयर एज अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट फॉल रैपिडली बिकॉज एक पत्थर को एक पत्थर को और एक पैराशूट को दोनों को एक साथ ऊपर से छोड़ा जाता है ठीक है ना तो इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा स्टोन इज देन है पैराशूट स्पेशियल मैकेनिक्स आर प्रेजेंट इन पैराशूट अ पैराशूट हैज अ लार्जर सरफेस एरिया एंड सरफेस टेंशन इज मोर रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस इज मोर और नन ऑफ एव यानी कि एक पैराशूट धीरे धीरे उतरता है और एक पत्थर उसी ऊंचाई से तेज से नीचे आ जाता है इसका सही कारण क्या है जल्दी से बताइए प्लीज क्वेश्चन नहीं दिख रहा भाई कोई नहीं थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी सही हो गया जल्दी से याकांक्षा कह रहे हैं इज दिस बेनिफिशियल फॉर केवीएस हाँ जी बिल्कुल है सी आंसर सी आंसर सी आंसर वेरी गुड वेरी गुड नारायण भी आंसर सी दे रहे हैं वेरी गुड रोली उपाध्याय सी आंसर मानशी, सी आंसर डीएलएड पॉइंट सी आंसर ठीक है भाई बहुत बढ़िया धनंजय सिंह प्रियंका तिवारी पिंकी कुमारी सबका आंसर सी आ रहा है प्रियंका यादव रूबी भाटी शैली चलो भाई ठीक है सही आंसर है आपका सी इसलिए आ जाता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया अब देखो ये बात इसलिए यहां पर समझ में आती है कि जो अभी हमने पाला वाला क्वेश्चन देखा था वहां पर दो पत्थरों को एक साथ फेंका गया था लेकिन वहां पर एयर के रेजिस्टेंस की कोई भी बात नहीं थी वहां पर के वहां पर उस क्वेश्चन में एयर रेजिस्टेंस को मेंशन नहीं किया गया था लेकिन यहां पर जो आप देख रहे हो ऑप्शन में एयर रेजिस्टेंस की बात आ रही है तो भैया आप समझ सकते हो कि एयर रजिस्टेंस का भी एक रोल होता है वहां पर जो क्वेश्चन आएगा वहां पर भी आपको देखना पड़ेगा एक ब्रैकेट में एयर रजिस्टेंस लिखा हुआ है या नहीं ठीक है तो सही आंसर है आपका सी इसको एक पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं ये वाला पिक्चर मान लीजिए यहां पर यह कोई पत्थर है यह कोई स्टोन है ठीक है इसको ऊपर से ड्रॉप किया गया है ऊपर से नीचे आ रहा है MG फोर्स किसकी वजह से ड्यू टू एयर लेकिन ठीक है लेकिन इस पर एयर रेजिस्टेंस क्या होगा बहुत कम होगा बिकॉज इसका जो एरिया है ये वाला जो एरिया है वो क्या है इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है बहुत कम तो सरफेस एरिया कम है तो एमजी ज्यादा होगा तो ये जल्दी नीचे आ जाएगा ये जो पैराशूट है ये नीचे आ रहा है किसकी वजह से एमजी फोर्स की वजह से अब एयर नीचे से ऊपर जो फोर्स लगाएगा किसकी वजह से ड्यू टू एयर रजिस्टेंस ड्यू टू एयर रजिस्टेंस इस पर एक फोर्स लगेगा वायु के प्रतिरोध के कारण वायु के प्रतिरोध के कारण इस पर एक फोर्स लगेगा ठीक है अब यहां पर सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा एयर का फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए ये धीरे धीरे नीचे आएगा इसलिए जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम और इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी ज्यादा ठीक है ये इसका मेन रीजन था ठीक है जी चलिए नए सवाल की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव देखिए द टाइप ऑफ मिरर्स यूज इन हेड लैंप ऑफ कार्स इज कार्ड का जो कार का जो लैंप होता है उसमें किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त किया जाता है पैराबोलिक कॉनकेव प्लेन स्फेरिकल कॉन्वेक्स या सिलेंड्रिकल कॉनकेव फटाफट से बताइए गीत यादव आपका जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है लेकिन आपने ये बात नहीं देखी कि जो ह्यूमन आई होती है ह्यूमन आई का जो नेचर है वो ये इस तरीके से होता है यहां पर होता है आपका कॉन्वेक्स आपने बोला कि कॉन्वेक्स हमेशा उल्टा बना, बनाता है बिल्कुल सही बात है क्योंकि यहां से जैसे ही रे जाती है उल्टा कहां पर बनेगा रेटिना पर तो उल्टा बनेगा रेटिना पर लेकिन रिफ्लेक्ट होकर जैसे ही बाहर आएगा तो सीधा हो जाएगा तो ये बात सही है वो रेटिना पर बनता है लेकिन उल्टा बनता है रेटिना पर फिर दोबारा से जब उल्टा कॉन्वेक्स से पास जाएगा तो वो सीधा हो जाएगा क्योंकि उल्टे का उल्टा सीधा होता है और भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो फिर से पैराबोलिक कॉनकेव पैराबोलिक कॉनकेव ऑप्शन ए बिल्कुल सही बात बिल्कुल सही बात तो सही आंसर है आपका पैराबोलिक होता है और कॉनकेव मिरर इसमें यूज करते हैं क्योंकि वो लाइट को क्या कर देता है कन्वर्ज कर देता है ठीक है ना हाँ, देखिए ये इसका पिक्चर है कॉनकेव है और पैराबोलिक है पैराबोलिक है और कॉनकेव है ठीक है यहां पर ये इसका बल्ब होता है ठीक है बल्ब से ऐसे करके लाइट निकलती है और ये बाहर ऐसे करके निकल जाती है और आप आराम से देख पाते हो ठीक है हाँ सर प्लीज रिपीट क्या रिपीट किया जाए बताइए ठीक है चलिए नए सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स द रीजन फॉर अ स्विमिंग पूल टू अपेयर लैस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ कोई भी स्विमिंग जो पूल होता है वो एक्चुअल डेप्थ से कम गहरा नजर आता है क्यों रिफ्रैक्शन लाइट स्कैटरिंग रिफ्लेक्शन या इंटरफेरेंस फटाफट से बताइए प्लीज बिल्कुल सही बात है जो कौन के मिरर होता है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है मैं एक क्लास ले चुका शायद आपने नहीं देखी है वो मैं ऐसे कॉन्सेप्ट बताता रहता हूं बीच बीच में जब भी कोई भी आ, ऐसा क्वेश्चन आता है ठीक है रिफ्रेक्शन 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 नारायण सिंह आंसर दे रहे हैं डी इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस बाकी लोगों का आंसर ए आ रहा है विभूति का भी आंसर डी आ रहा है बाकी लोगों का ए आंसर है गीत यादव का आंसर बी आ रहा है लाइट स्कैटरिंग के कारण वेरी गुड वेरी गुड लाइट स्कैटरिंग बी आ रहा है भाई देखो देखते हैं क्या होता है अवंतिका का आंसर ए आ रहा है रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ज्यादातर लोगों का आंसर रिफ्रैक्शन आ रहा है भाई तो क्या सही है क्या गलत है उसकी तरफ बढ़ते हैं तो भैया है, सही आंसर है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दो तीन क्वेश्चन अब तक बता चुका हूं मैं रिफ्रैक्शन भैया जब भी आपको धोखा मिले जब भी आपको किसी भी इमेज में धोखा मिलता है छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा इसका मतलब है वहां पर मीडियम चेंज हो रहा है जब भी हमारी आंखों को धोखा मिलता है छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा कम गहराई या ज्यादा गहराई ठीक है ना उस केस में आपका रिफ्रेक्शन ही होता है आपका अपवर्तन ही होता है क्योंकि अपवर्तन में ही आपका जो मीडियम है आपका जो माध्यम है वो चेंज होता है क्या होता है चेंज होता है परिवर्तित होता है ठीक है एक पिक्चर देखते हैं हम इसके लिए हां आंसर बिल्कुल करेक्ट है देखिए जरा ये एक बालक है यहां पर खड़ा है एक्चुअल में जैसे ही लाइट रे जा जा रही है तो ये क्या है आपका एयर इसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है वन ये क्या है वाटर इसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होता है वन तो लाइट रे कहां से कहां तक जा रही है लाइट रे कहां से कहां तक जा रही है आपकी रेयर टू डेंसर तो जब रेयर टू डेंसर जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल ठीक है ना तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है तो नॉर्मल कहां होगा हमारा यहां पर तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है ठीक है क्योंकि यहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसकी एक्चुअल पोजिशन कहां इसकी रियल डेप्थ कौन सी है ये वाली लेकिन दिखेगा कहां पर यहां पर तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस केस में हमें धोखा मिलता है क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है सर इट्स हेल्प वर्क भैया बिल्कुल शिवानी वत्स टीचिंग से रिलेटेड आपका के बी हो या आपका नवोदय विद्यालय का हो एनवीएस हो या आपका किसी भी स्टेट का एल ग्रेड का एग्जाम हो या आपका कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होगा तो वहां पर ये फिजिक्स हेल्पफुल रहेगा क्योंकि सही तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है आप इसको फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के सर व्हाट इज इंटरफेरेंस भैया कल की आप क्लास देखिए नारायण सिंह सॉरी सिंह नहीं नारायण जी आप नई क्लास के लिए वेट करिए मैंने उसमें इंटरफेरेंस का एक बहुत अच्छा सवाल डाला हुआ है जब भी हमारी नई क्लास होगी उसमें मैं इंटरफेरेंस पढ़ाऊंगा क्योंकि जब मैं तभी एक्सप्लेन करूंगा किसी चीज को अच्छे से जब मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा ठीक है अभी मैं बताऊंगा तो बाकी लोग भी बोर हो जाएंगे तो मेरे भाई आप उसके लिए वेट करो मैं बताऊंगा पक्का टेंशन आ, ना लें आप इसके लिए इंटरफेरेंस के लिए एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा वहां सारी चीजें बताई जाएंगी आपको हाँ ठीक है ना तो ये ज्यादातर एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है क्लास जो है आपकी ठीक है जी चलिए तो आप सभी लोगों की ये समझ में आ गया होगा हाँ ये बात सही है क्योंकि साइंस जो फिजिक्स जो है सेम रहता है मोस्टली एग्जाम्स के लिए ठीक है ना तो और ये सारे मैसेज आप कर दो आप, लो ने आपने पेपर्स देखे आप जो भी कर रहे अगर आपको लगता है कि ये लेवल बहुत छोटा है तो आप मत करिए ठीक है ना हाँ तो वैसे मेरा मानना ये है कि आप फिजिक्स जो है फॉलो करिए आपको बेनिफिट रहेगा पक्का और इतनी सारी चीजें बताई जा रही है आपको तो आप ऑब्वियसली आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हो रहा होगा क्लासेस से ठीक है तो चलिए आज का सवाल नंबर राइज सडनली राइज ग्रेजुअली फॉल सडनली या फॉल ग्रेजुअली अगर कहीं पर आंधी की बात है अगर कहीं पर आंधी आने वाली है तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो अचानक से बढ़ेगा धीरे धीरे बढ़ेगा धीरे धीरे घटेगा जो भी होगा जल्दी से बताइए फटाफट से यामिनी तिवारी बोल रहे हैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच जल्दी से बताइए प्लीज और हां क्लास को लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो स्टेटस पर भी लगा लो जिससे जो भी निडी लोग हैं उनको भी पता लगे आंसर आ रहा है नेहा तिवारी का आंसर सी आ रहा है आंसर आ रहा है के लिए सी आएगा। भाई थोड़ा सोच लीजिए शुभांगी का आंसर आ रहा है राइ सडनली वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सी आंसर ज्यादातर मैं देख रहा हूं कोमल शेनी का आंसर ए आ रहा है सरोज का आंसर डी आ रहा है फॉल्स ग्रेजुअली धीरे धीरे गिरता है पल्लवी चौहान का आंसर ए आ रहा है देखो ए आंसर बहुत सारे लोगों का आ रहा है सी आंसर भी बहुत सारे लोगों का आ रहा है प्रियंका तिवारी का आंसर सी आ रहा है प्रियंका यादव और विभूति का आंसर ए आ रहा है प्रशांत का आंसर बी आ रहा है कोमल सेनी का आंसर ए आ रहा है तन्मय सैनी का आंसर ये आ रहा है शैली का आंसर आ रहा है भैया ए वाले मेरे हिसाब से ए वाले जो है वो बिल्कुल सही है एटमोस्फेरिक जो प्रेशर है वो अचानक से बढ़ जाएगा अचानक से बढ़ जाएगा तो तूफान आने के चांस हो जाएंगे अब देखते हैं क्यों ठीक है ठीक है चलिए देखते हैं देखिए यहां पर अब ये है आपका बैरोमीटर सबसे पहली बात है कि ये सारी चीज हमें कौन बताता है बैरोमीटर ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत ही अच्छा अब क्या होगा बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बढ़ गया बाहर का एटमॉस्फेरिक क्या हो गया बढ़ गया जैसे ही यहां से प्रेशर बढ़ेगा ये नीचे की तरफ जाएगा ये नीचे की तरफ जाएगा ये ऊपर की तरफ राइज़ करने लगेगा यानी कि अचानक से बढ़ने लगेगा अगर बाहर का प्रेशर बढ़ा तो कैपिलरी के अंदर जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा यानी ऊपर की तरफ राइज करने लगेगा ठीक है ये बात तो क्लियर होगी अब एक बात सुनिए बाहर का प्रेशर बढ़ा प्रेशर बढ़ा तो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड बढ़ेगी भैया प्रेशर बढ़ेगा तो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड भी बढ़ेगी पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी ऊर्जा बढ़ेगी वेग बढ़ेगा कब जब प्रेशर बढ़ेगा और ये सारी चीजें जब वेग बढ़ेगा पार्टिकल्स का पार्टिकल तेजी से रफ्तार में चलने लगेंगे तो क्या आएगा आंधी और तूफान ही आएगा क्या आएगा तूफान आएगा स्टोर्म के चांस बनेंगे तो सिंपल वे में आपको याद रखना है कि प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ती है वेलोसिटी बढ़ेगी तो आंधी तूफान आएगा ठीक है और सुनिए अगर मान लीजिए बाहर का प्रेशर हो जाता कम यहां का प्रेशर हो जाता कम प्रेशर कम होता तो ये नीचे गिर जाता प्रेशर हो जाता कम तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या हो जाती कम पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो जाती तो पार्टिकल में नमी आ जाती ह्यूमिडिटी आ जाती तो बारिश होने के चांस बढ़ जाते ठीक है जी समझ में आया मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं सीटेड के लिए है हाँ जी बिल्कुल जल्दी से फटाफट से थैंक यू धन्यवाद ठीक है तो समझ में आ गया होगा मैं बढ़ रहा हूं आगे नए सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट है आपका स्मोग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जो लोग डेली में रह रहे हैं जो स्टूडेंट डेली में आके तैयारी करते हैं वो एक शब्द तो सीख ही जाते हैं स्मोग ठीक है ठीक है क्लियर हुआ बहुत बढ़िया धन्यवाद प्रेशर के साथ तो मॉलिकुलर क्लोजली बाउंड हो जाते हैं नहीं 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 प्रेशर बढ़ता है तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाती है और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा पार्टिकल जब प्रेशर कम हो जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी और स्पीड कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा ह्यूमिडिटी आ जाएगी पार्टिकल के साथ में ठीक है तो देखिए स्मोक क्या होता है एयर एंड वाटर प्रेपर वाटर एंड स्मोक स्मोक फायर एंड वॉटर स्मोक एंड फॉग तो भैया कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है ऑप्शन डी ज्यादातर लोग ऑप्शन डी दो भैया थोड़ा सा समझ के थोड़ा सा आराम से मनोज तिवारी आंसर दे रहे हैं भैया मनोज तिवारी जी आपको भी पढ़ने की जरूरत पड़ गई मनोज तिवारी चलो कोई नहीं जस्ट आ, जोक बोला मैंने ए मनोज तिवारी बोल रहे हैं ए वायु और जलभाष गीत यादव भी आंसर ये दे रहे हैं भाई मानसी का भी आंसर ए आ रहा है आई थिंक बोला उन्होंने आ रहा है प्रशांत का सर मुझे ए और डी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ए और डी में से आंसर ये बात भी सही है लेकिन आपका कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर करिए चलिए भैया तो भैया सही आंसर है इसका डी स्मोक एंड फॉग धुआं और कोहरा ये है इसका पिक्चर देखिए आपने देखा है ये जो आप देख रहे हो ये है स्मोक और ये है आपका स्मोक प्लस फॉग धुआं और कोहरे के कारण आप ये देख पाते पॉल्यूशन ठीक है ना तो सही आंसर था इसका डी बिल्कुल सही है जो लोग उन्हें आंसर डी दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे चुके हैं जिनका गलत था वो अपने आप को करेक्ट करेंगे लिख लो भैया इन बातों को लिख लीजिए प्लीज एक कॉपी बना लो और उसपे लिख लीजिए साइंस ठीक है ना हाँ जी एक कॉपी बना ली लीजिए पच्चीस तीस रुपए वाली और उस पर लिख लो साइंस फिजिक्स बाई अध्ययन मंत्रा और फटाफट से उसपे लिख डाली जो भी आपके डाउट्स हैं हाँ बिल्कुल ज्यादा होता है इसमें तो भैया नए सवाल की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन द कि पहली थ्री डी मूवी कौन सी थी इंडिया की मैंने लास्ट क्लास में भी एक बार और ये क्वेश्चन डाला था थ्री डी फर्स्ट थ्री डी मूवी और इतना मुझे पता है पिक्चर का नाम नहीं पता अजय देवगन साहब ने इसको लीज किया था प्रोड्यूस वगैरह भी शायद उन्होंने किया था बताइए रुपेश हेलो रुपेश रुपेश आंसर दे रहे हैं बाईफोकल मेरा भाई रुपेश आंसर ए तो नहीं है क्योंकि बाईफोकल का यूज तो हम बुढ़ापे में करते हैं ये वाले जो चश्मे हैं रुपेश जी ये वाले चश्मे हम बुढ़ापे में यूज करते हैं जिसमें ऊपर वाला कौन के वो नीचे वाला कॉन्वेक्स होता है बाई तो नहीं करेंगे बाई फोकल डी मानसी खत्री आंसर दे रहे हैं डी पोलराइड चलो भाई देखते हैं अर्चना का भी आंसर डी आ रहा है नेहा तिवारी का आंसर ए आ रहा है रुपेश जी बोल रहे हैं डी इज राइट आंसर यस जल्दी से जल्दी बताइए प्लीज रूपेश जी ने डी आंसर दिया है वो भी बड़ा वाला डी डी आंसर डी आंसर बाकी लोग भी बताइए फटाफट से सी आंसर भी दिया है ठीक है भैया तो इसका सही आंसर है डी थ्री मूवीज को देखने के लिए थ्री मूवीज आप देखो थ्री मूवी ही ज्यादातर आएंगी थ्री मूवीज को देखने के लिए पोलराइड लेंस का यूज करते हैं पोलराइड चश्मे होते हैं एकदम अलग होते हैं स्पेशल होते हैं कॉन्वैक्स लेंस का यूज हम कहां पर करते हैं कॉन्वैक्स लेंस का यूज हम कहां पर करते हैं जब होता है हाइपरमेट्रोपिया अगर किसी व्यक्ति को हाइपर हो गया है दूर दृष्टि दोष हो गया है और कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं जब उस व्यक्ति को मायोपिया हो गया है यानी कि निकट दृष्टि दोष और बाइफोगल यूज करते हैं जब उसको जरा दृष्टि दोष हो गया है ये एजेड पर्सन को होता है एजेड पर्सन सिक्सटी प्लस सिक्सटी प्लस पे होता है ये, ठीक है जी हाँ जी, मायोपिया, थैंक यू वेलकम हां जी चलिए अब बढ़ते हैं नए सवाल की ओर और, और वो जो सवाल है आज का अंतिम सवाल है ये आज का अंतिम सवाल है और अच्छा सवाल भी है सवाल है अ बॉय सिटिंग इन एन ओपन कार एक लड़का है खुली हुई कार में बैठा हुआ है एक लड़का खुली हुई कार में बैठा हुआ है जो कार है वो मूविंग है कार मूविंग विद अ स्पीड ये बड़े काम की चीज है जो कार है वो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही है थ्रू अ बॉल स्ट्रेट अप इन टू वो क्या कर रहा है उसने एक बॉल उसके हाथ में उसने ऊपर की ओर फेंक दिया तो क्या होगा क्या होगा जो बॉल जब ऊपर से आएगी तो बिहाइंड या बाई हिज साइड कौन सा इसमें से सही है पोलराइड लेंस वो होते हैं जो किसी की गहराई ऊंचाई चौड़ाई को अच्छे से कर सकते हैं ठीक है पोलराइड लेंस जो होते हैं जो किसी भी चीज की रियलिटी को देख सकते हैं अगर हमने उस मूवी को पोलराइड लेंस उतार के देखी तो हमें वो सारी चीजें बिलर लगने लगेंगी। पोलराइड लेंस वो होते हैं जो किसी भी थ्री का मतलब है ऊंचाई चौड़ाई लंबाई सारी चीजों का अच्छे से आकलन कर सकते हैं डी आंसर ए आंसर सी आंसर ए आंसर ज़्यादातर आप लोगों के आंसर ए और डी आ रहे आई थिंक भी लिखा है बंदना गर्ग बोल रहे आई थिंक ए बिहाइंड बिल्कुल सही बोला है कि जब वो कार करेगा कार आगे बढ़ जाएगी वॉल पीछे चली जाएगी आई थिंक सी इज राइट रूपेश जी बोल रहे हैं रूपा कुमारी आंसर ए आ रहा है रूबी भाटी आंसर सी दे रहे हैं पिरामिड की शेप का होता है नहीं नहीं पिरामिड की शेप में तो नहीं होता शेप तो इसका कोई भी हो सकता है ठीक है जी तो भैया इसका सही आंसर है यहां पर देखेंगे इसका सही आंसर पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे फिर देखेंगे इसका सही आंसर क्या ध्यान से सुनिए इधर प्लीज तो ये है ड्राइवर अब इसके हाथ में ये बॉल लगी हुई है और ये जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है नियत वेग से चल रही है ठीक है जब ये नियत वेग से चल रही है तो कांस्टेंट वी का मतलब है कि इस केस में इसमें एक्सलरेशन जीरो है त्वरण जीरो है ठीक है हा एक बात सुनने की कोशिश करो जब ये बॉल को यहां से फेंकता है ऊपर की ओर ऐसे करके और कार चल रही है वी वेलोसिटी से इधर तो अभी आप में से बहुत सारे लोग आंसर देते कि कार बढ़ जाएगी आगे और बॉल गिरेगी पीछे ठीक है बिहाइंड हिम ऐसा कुछ आंसर दिया था दो मिनट का टाइम लगेगा बस ठीक है अब सुनिए तो जब ये बॉल जाएगी ऊपर तो आपका मानना है कि ये आगे चला जाएगा लेकिन मैं आपको फिजिक्स की दो नई बातें बता देता हूँ फिजिक्स की दो इंपॉर्टेंट ये फिजिक्स की बातें हैं प्लीज ध्यान से सुनेंगे फिजिक्स की दो इंपॉर्टेंट बातें एक्चुअली जो हायर फिजिक्स होती है उसमें दो बातें आती हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है या फिर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है दोनों का मतलब एक ही है क्योंकि इन दोनों केस में एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है प्लीज ध्यान से सुनिए हायर फिजिक्स एक बात बोलता है कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पर है या वो नियत चाल से मूवेबल है या वो नियत चाल से चल रहा है तो उन दोनों केस में उस पर लगने वाला बल जीरो है अर्थात एक्सलरेशन जीरो है त्वरण तो जीरो है क्योंकि त्वरण का मतलब क्या होता है त्वरण का मतलब है भैया एक तरीके से झटका अब एक बात बताओ सिंपल बताओ मान लो प्लीज आंसर दीजिएगा थैंक यू वेरी मच एक बात सुनो मान लो कार नहीं है दो मिनट के लिए कार नहीं है हमने किसी भी फील्ड में जैसे मैं किसी मैदान में गया और मैंने किसी बॉल को ऊपर उछाला और मैं नीचे खड़ा हूं तो बॉल मेरे हाथ में जाएगी आगे पीछे जाएगी एक बात बताओ मुझे अगर मैं किसी मैदान में खड़ा हूं और मैंने किसी बॉल को ऊपर फेंका पहले मुझे इस सवाल का आंसर दे दो फटाफट से अगर मैं किसी मैदान में खड़ा हूं और मैंने किसी बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल आगे जाएगी या पीछे जाएगी आ, मेरे हाथों में आएगी फट पहले इसका आंसर दे दो फटाफट से फिर मैं बहुत अच्छे से आपको एक बात बताऊंगा जीवन में नहीं भूलेंगे आप जल्दी से प्लीज इसका आंसर दो मुझे अगर आप किसी मैदान में खड़े हो खड़े होकर के आप स्ट्रेट सीधे एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो बॉल आगे जाएगी पीछे जाएगी आपके हाथों में आएगी रुपेश जी बोल रहे हैं इन अवर हैंड्स गुड बिल्कुल बिल्कुल हाथ में आएगी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब ऐसे ही समझ लो भैया एक बात मुझे बताओ इसी बात को आप समझने की कोशिश करिए इसी बात को आप समझने की कोशिश करिए कि जब कि जब आप जमीन पर खड़े होकर के अर्थ पर खड़े होकर के अपने हाथों में से किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो और बॉल आपके हाथों में ही आ रही है जबकि पृथ्वी एक नियत चाल से घूम रही है ये बात तो सभी जानते हैं कि पृथ्वी नियत चाल से घूम रही है अरे हाँ या ना बिल्कुल हाँ तो जब एक नियत चाल से घूमती हुई पृथ्वी पर खड़ा हुआ व्यक्ति किसी बॉल को ऊपर फेंकता है और उसके हाथों में आ जाती है क्यों क्योंकि यहां पर अर्थ का जो v है वो कांस्टेंट है पृथ्वी का जो v है वो कांस्टेंट है अर्थात एक्सेलरेशन जीरो है है कि नहीं बिल्कुल सेम कंडीशन मान लीजिए कि ये जो कार है ये एक अर्थ है मान लीजिए कि कार एक अर्थ है ये भी तो v कांस्टेंट से चल रही है ये भी तो v कांस्टेंट से चल रही है तो जब यहां पृथ्वी पर खड़े हुए बॉल आपके हाथों में आ सकती है तो कांस्टेंट चाल से चलती हुई कार में क्यों नहीं आ सकती क्यों क्योंकि दोनों कहीं केस में एक्सलरेशन जीरो है अरे बात समझ में आ रही है क्योंकि यहां जब पृथ्वी कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है पृथ्वी भी तो घूम रही है भाई हम भी तो मान लो हम सभी एक कार में बैठे हुए हैं अर्थ जस्ट लाइक बिहेव एज अ कार जिसकी स्पीड वी है कांस्टेंट है तो जब इस केस में एक्सेलरेशन जीरो है तो बॉल कहां आ रही है आपके हाथ में और अभी ये पूछ रहे हैं फन विद वेवी आरू पूछ रहे हैं ऐसे कैसे हुआ भैया ये ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है इस केस में झटका जीरो है मेरी बात समझ भाई इससे ज्यादा नहीं शायद मुझे लग रहा है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा मान लीजिए आप एक रेल के कंपार्टमेंट में बैठे हैं आप रेल के कंपार्टमेंट में बैठे हैं और रेल नियत चाल से चल रही है आप एक सीट पे बैठे हो आपने बॉल को छाला बॉल आपके हाथ में क्यों और अगर रेल झटका देने लगी आपने बॉल को हटाया तो आप या तो आगे हो जाओगे या पीछे हो जाओगे तो जब एक्सेलरेटेड सिस्टम होता है तब हमारी चीजों में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है अगर वी कॉन्स्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है फोर्स जीरो है और बॉल हमेशा हाथ में ही आएगी ठीक है थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच ठीक है तो भैया मुझे उम्मीद है सभी लोगों की समझ में आ गया होगा ठीक है ना फिजिक्स जो है आपको साइंस समझ में नहीं आती लेकिन कोशिश कीजिए साइंस बड़ा अच्छा डेली लाइफ से रिलेटेड होता है कितने अच्छे से समझाने की कोशिश की जा रही है ठीक है तो आप कोशिश करिए आपकी समझ में आएगा ठीक है भैया आज के लिए इतना ही धन्यवाद जुड़ने के लिए नई क्लास में फिर नई एनर्जी के साथ में इंतजार करेंगे आप सभी लोगों का और फिर से नए दस सवाल रहेंगे नए दस कॉन्सेप्ट रहेंगे ठीक है और आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा आ रहा होगा और आप इन सारे कॉन्सेप्ट को एक कॉपी में लिख रहे होंगे और आप रिवाइज कर रहे होंगे आप जिस भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे थैंक यू वेरी मच क्लास को लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो हो सके तो स्टेटस भी लगाओ थैंक यू वेरी मच